पीटीए का जिक्र कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती के निकट जा रहे हैं। क्या भतीजा फुआ के साथ मेल मिलाप करना चाह रहे हैं? एक तरफ मायावती के समर्थन में आ रहे हैं और दूसरी तरफ मायावती को धन्यवाद कह रहे हैं, मायावती का आभार जता रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? जानबूझकर अखिलेश यादव किसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं या फिर राजनीति से हटकर ये सब हो रहा है? क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक बार फिर से चर्चा में है। साथ ही इस चर्चा में अखिलेश यादव की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीटीए राजनीति भी चलती दिख रही है। दरअसल मथुरा के मार्ट क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने मायावती पर एक बयान दिया, इस पर माहौल खूब ज्यादा गर्मा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात तक कह डाली। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर आज यानी दोपहर करीब 1 बजे के लगभग पोस्ट कर मायावती का आभार तक उन्होंने जताया। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट की शुरुआत आभार के लिए धन्यवाद से की। इसमें उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक की ओर से शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री का सरेआम किया गया अपमान। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सदियों से समाज के प्रभुत्ववादियों की ओर से किए जा रहे मानसिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ आज उपेक्षित एवं तिरस्कृत समाज के लोगों में ये जो नई चेतना आई है उसकी एकता और एकजुटता आने वाले कल का सुनहरी समाजवादी समांतवादी इतिहास लिखेगी। हालांकि अखिलेश यादव के मीडिया में आए बयानों और भाजपा के खिलाफ हमलावर रुख के बाद मायावती का बयान भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सुबह करीब 9 बजे से सिलसिलेवार 6 पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि 2 जून 1995 को जब समाजवादी पार्टी सरकार से बीएसपी ने समर्थन वापसी का ऐलान किया तो मुझ पर जानलेवा हमला तक कराया गया था। इस मामले में कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती? वहीं अखिलेश यादव ने बाद में अपने पोस्ट में मायावती के आभार पर अलग ही माहौल बनाया। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा, ये एक शुभ संकेत है कि पीडीए समाज अब प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझने लगा है। चंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये विघटनकारी सत्ताधारी भले कुछ लोगों को हाथ पकड़कर कुछ भी कहने लिखने पर मजबूर कर ले, परंतु मन से वो कुछ मजबूर लोग भी हमारे साथ हैं। ऐसे मजबूर लोग जानते हैं कि ये प्रभुत्ववादी कभी उनके भले के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सदियों से शोषित वंचित समाज के 99% लोग अब पीडीए में ही अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट लगातार मायावती के फेवर में कर रहे हैं, मायावती के समर्थन में खड़े हैं। अब इसके पीछे राजनीति है या फिर रणनीति है या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, इन सब सवालों का जवाब तो खैर अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। अब अखिलेश यादव इस मामले में पीडीए राजनीति करते दिख रहे हैं, ये साफ है। मायावती पर राजेश चौधरी के आरोपों को लेकर पीडीए को संगठित करने का प्रयास जो है वो अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है और इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। बहरहाल अखिलेश कांग्रेस और भाजपा नेता पर निशाना साध मायावती प्रदेश की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मायावती का कहना है कि विधायक को पार्टी में पूछ नहीं है, इसलिए अनर्गल बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। मायावती की कोशिश दलित वोट बैंक पर एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की है। वहीं इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करते अखिलेश यादव भी दिख रहे हैं। शायद यही वजह है, यही कारण है जिस वजह से अखिलेश यादव मायावती की तारीफ करते थक नहीं रहे। मायावती के समर्थन में लगातार वो खड़े हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर मायावती के फेवर में पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। शुक्रिया।